अच्छा, बिरहा के श्रोता भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक रहने के नाते मैं अपने बिरहा के माध्यम से उस नौजवान की गाथा प्रस्तुत करने जा रही हूं जो हमारी मिट्टी की रक्षा करने में खुद को मातृभूमि को न्यौछावर कर दिया जवान। और जौनपुर का लाल जिसका नाम था जिलाजीत यादव, आज जिलाजीत जिले का ही नाम नहीं बाबू, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया वो जवान। कहना है उछाही फिजिकल में फिट हो, मेडिकल में फिट हो, नहीं हो करेक्टर में कोई लाल स्याही, भले कोई कहे पेट पालन कजरिया, नजरिया बदल कर के चलता हराही, संघर्षों की चक्की में घिस घिस के पीसता, तब होता सेना में भारतीय सिपाही। ए बाबू, एक फौजी जवान बने में कितना हमारे भैया बाबू लोगन के स्ट्रगल करे के होला। हमारे गुरु जी के गुरु स्वर्गीय चंद्रिका गुरुजी एक लाइन लिखले रहलन, करता कदर कौन माता मही की, अरे करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते आजाद होता ना भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते। कहल गइल भाई बाबू, खुद की रक्षा करना, खुद के परिवार की रक्षा करना, ये तो एक आम बात है, लेकिन देश की रक्षा करना, देश के लिए खुद को मर मिटना कितना कठिन दास्ता है मेरे बाबू। किसी के कलम में, किसी के गले में कहां वो ताकत है जो इस बयां को लिख दे और गा दे। आज धरती पर हर एक इंसान को पेट पालने का जरिया चाहिए, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के हर फौजी भाई की एक अलग नजरिया है। इनके लिए तो ना नींद, ना भोजन, ना परिवार, कुछ भी नहीं है देश के आगे बाबू। कहना है एक लाइन गजल का टुकड़ा लगन मास्टर, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी मेरी बना जा, अजमेर वाले खा जा, बिगड़ी मेरी है प्रश्न मेरा देश से, है प्रश्न मेरा देश से, विपदा ये कब टलेगी, है प्रश्न मेरा देश से। निर्दोषी फौजियों की, निर्दोषी फौजियों की कितनी चिता जलेगी, निर्दोषी फौजियों की कितनी चिता जलेगी।
कहानी के शुरुआत बा। आप लोग कहानी पर गौर करेंगे कैसे मास्टर साहब? है भला कौन फौजी से पढ़ करके एक सन्यासी, दोनों की अलग है भक्ति, दोनों जंगल रहवासी। मुँह को रोटी मिल जाए हाय कोई नहीं गारंटी, मुँह को रोटी मिल जाए हाय कोई नहीं गारंटी, हाय पता नहीं किस क्षण में बचाए मौत की घंटी। खाई पठारिया पर्वत कब पड़े उतरना चढ़ना, खाई पठारिया पर्वत कब पड़े उतरना चढ़ना, बम गोला बारूद बरसे फिर भी है आगे बढ़ना। था जिला जीत एक पट्ठा कांता यादव का लाला, था जिला जीत एक पट्ठा कांता यादव का लाला, सिरकोनी बहादुरपुर के इजरी का रहने वाला। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर सिरकोनी बहादुरपुर इजरी के रहने वाला कांता प्रसाद यादव जी, जकरे औरत का नाम बतावल गल उर्मिला देवी। भगवान तीन गो औलाद देले हुआ बाबू, दो गो बिटिया, जौने बिटिया का नाम बा संजू और रेनु, एकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया बाबू जिला जीत यादव। देखिए बचपन में से जिला जीत के एक सपना रहल कि मैं भी फौजी जवान बनूंगा। अरे बाबू ना, जब जिला जीत कौनो फौजी जवान की वर्दी में देखे ना, अरे दिलवे मचल जा। एक दिन देखला एक फौजी जवान के वर्दी में गैलन दौड़ल दौड़ल माई के पास, खला माई एक दिन तोहरो बेटा ऐसे वर्दी पहन के आई। अरे बाप रे बाप, माई वर्दी वाली बात सुन के डर गईली, कलेजवे कांप गल हो भैया, खली करे लाल तू कौन सपना देखे थे, सुन हमारे ठे बात। का कहली माई, मास्टर गीत बदल गई। अरे मुंगरी सपारी मारी, अरे मुंगरी सपारी मारी, दहिया देहल तूर, अरे दहिया देहल तूर, जहिया मारला जहिया मारला तो मछरी खियावला जरूर, जहिया मारला तो मछरी खियावला जरूर, जहिया मारला। हमरे गुरुजी इस जवन लाइन लिखले बड़न, पूरे समाज के माई बाप के ऊपर एक लाइन लिखले बड़न, कैसे मास्टर? करम माई बाबू खातिर होला, अरे माई बाबू खातिर होला, एक बेटा को ही नूर, एक बेटा को ही नूर, कैसे रहबा हमर लाल हमरे आखिया से दूर, कैसे रहबा हमर लाल हमरे आखिया से दूर। अरे भेजब ना कटाए या भुनाए वाली फौज में, अनु न रोटी खा के रही है घर वे तू मौज में, क्या बात है? अरे मन करी तब बिजनेस कौनो, अरे मन करी तब बिजनेस कौनो, काली हा जरूर, अरे काली हा जरूर, कैसे रहबा हमर लाल हमर आखिया से दूर, कैसे रहबा कैसे रहबा हमर लाल हमर आखिया से दूर।
जिला जीत के माई कहली खरे पगला ते हमार अकेल बैठवा आ सपना तू फौजी के देखत हुआ। अरे पागल सुन ई आरती भर्ती के चक्कर में तू मत पड़, कोनो छोटे बिजनेस कैली हा, बिजनेस ना चली एक छोटे दुकान कैली हा, लेकिन लाल तू फौजी का सपना मत देखा। बाबा जिला जीत कल माई अच्छा हमके ही बतावा, अगर तोहर ही जैसे पूरे हिंदुस्तान का मतारी सोच ले तो ये अपन देश कैसे चली। और सुना हो जोन बॉर्डर पे लड़त हुआ फौजी ओहो तो केहू का बेटा हुए हुए ना। माई कली सुन बेटा, हमें राहे देते पहाड़ा पढ़ावे के बगलिये में बाबू कांता प्रसाद बैठ के ब्रश करत हुआ, कोही से बॉल उठल कल हार रे बेटा तू सही कहा हुआ जिला जी, एक फौजी के लिए सब कुछ होकर देश होला, लेकिन एक माई बाबू के लिए लाल सब कुछ होकर एक बेटा होला। बातचीत होत माए बाबू धीरे धीरे भयल का मास्टर गीत बदल गई हो। अरे सोना या सज्जवानी हमारी, अरे सोना या सज्जवानी हमारी माटी में मिलावत मुआवता, अरे मुआवता सजिया सोवना बलम तरसावता, किस्मत वाला हो फौज का वर्दी पावला, दो हजार चौदह जिला जीत नौजवान वर्दी बेल्ट कस के खड़ा माई पातियावेला किस्मत वाला हो फौज का वर्दी पावेला, ए बाबू बड़े किस्मत वालन के सपना साकार होला, जिला जीत का सपना साकार भयल सन 2014 में जिला जीत फौज में भर्ती हो गईलन, आर आर 53 बटालियन सिपाही जवान पद पर तैनात। जब जिला जीत घरे अइलन ए बाबू तो गांव पूरा टोला परोसा सबई के खुशी बा, लेकिन जब माई के पास गईले आ जाय के अपने माई का ऐसा ही पैरवा चूमत हुए, अरे बाप रे बाप, मथवा पे हथवा धई के माई सोचे लगली, जिला जीत कला माई अरे हम फौज के वर्दी पहनले बनी बेटावा तुहार बहादुर हथू माई माथे पर हाथ रख लालू, काहे बाप रे बाप, एक माँ की ममता है, माँ कहती है जिला जीत से क्या मास्टर साहब। गीत लगल बा, कही होई है सड़क पे, कही होई है सड़क पे लखता होई है, कही होई है सड़क पे लखता होई है, कही होई है सड़क पे लखता होई है सड़क पे।
कपे लखता होई है कजी कैले तयापन आखिर कैले तयापन वाले कैले आखिर कैले तयापन हाथ धर के बैठली काली का लाल तू तो कह दलाया अपन वाली ना अब तक कलेजा के तसल्ली मिल गई ना ठीक बा अब देरी ना लगी अब तो और तुरंत हम बियाह करवा दे पाँव में बेड़ी पड़ब बड़ा जरूरी है ए बाबू देखल जा समय बीतल बा एक पूनम नाम के लड़की से जिला जीत का शादी हो गई जब शादी हो गई खुशी खुशी दिन व्यतीत हो रहा है जिला जीत सन 2014 में भर्ती होकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं मात्र 3 ही साल बाद पिता कांता प्रसाद जी का निधन हो जाता है परिवार पर जैसे पहाड़ ही टूट जाता है बाबू जिला जीत अपनी माँ को समझा रहा है माँ आप टेंशन मत लीजिए मालिक को मंजूर नहीं था पिताजी का साया सर से उठ गया मैं हूं ना माँ कभी आपको दुख नहीं दूंगा माँ पिता के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा क्या किया जाए माँ मालिक को मंजूर नहीं था पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल अभी पिता के निधन के 2 ही साल हुआ है जवान जिला जीत 2020 में जम्मू कश्मीर आर्मी ऑफिस से घर आता है छुट्टी पर फिर मेजर साहब का सीमा से फोन आता है फौजी जवान फोन को रिसीव करता हेलो जैन सर क्या बात है सर जिला जीत ऐसा है कुछ फौजियों की जरूरत है और आप सीमा पर चले आइए फौजी जवान फोन रख दले बाबू तैयारी करे लगलन तैयारी कैसे परिवार में फौजी जवान करत हुए हो भैया गीत लगल बा मास्टर साहब गजभार के गुजारिया गजब का रहो
जौनपुर के बघेला जौनपुर से चलल पूनम गर्भवती हई माई तन जो गई हा आ टाइम टाइम से इनके डॉक्टर के देखई हा जौनपुर के बघेला जौनपुर से चलल हो गया या देश आओ पुलवामा की ठाव में छिपा है आतंकवादी काजा बोरा गांव में जौनपुर के बघेला जौनपुर से चलल ए बाबू यह है फौजी जवान का जिम्मेदारी एक तरफ सीमा तो एक तरफ परिवार है पूनम को बच्चा होने वाला है ममता है पत्नी का लेकिन फौजी जवान सीमा पर जाते वक्त अपनी माँ को सहेजता है हे माई थोड़ा पूनम के देखिया टाइम टाइम से डॉक्टर के यहाँ ले जाके चेकअप करवा दिया टाइम टाइम से इंजेक्शन लगवा दिया फौजी जवान परिवार में बातचीत करके बाबू सीमा पर चला जाता है ड्यूटी पर तैनात जिला जी कुछ ही दिन बीता है तब तक कर्नल साहब का फोन आता है कुछ आतंकवादी सीमा में प्रवेश कर गए हैं सर्च ऑपरेशन पर जवान जुटे हैं बाबू तो होता है क्या मास्टर साहब गीत बदल गई गीत से बढ़िया भाव है मास्टर साहब रतिया बिरतिया न दखला जवानवा तरकाईला जैसे बेचोले आऊ चलावा तना तना बोलिया अमुठा बेड़ा दोनों में भैला जवाबी तनी को ना पीछे हटाई कलाबी कतरन के खतला ओ कतरन के छदला कतरन के खतला ओ कतरन के छदला जानला के भागला बवालिया ओ चलावे दना दना गोलिया सीमा पर तैनात जो आतंकवादी छुपे हैं आड़ से गोली चलाना शुरू कर देते हैं बारे जिला जीत देखलन कि कुछ पापी छुपल हुए कदम आगे बढ़ल आ जब गोली चलावे शुरू कैलन आतंकी भगे ना इरादे थे अच्छे भगे बिल से जैसे वो चूहे के बच्चे
अंधेरे का एक साला फायदा उठाकर जिला जीत को मारा गोली चलाकर। बढ़ता कदम जो था रोका वही पर, बढ़ता कदम जो था रोका वही पर, जिला जीत भी उसको ठोका वही पर। तस्वीर नाचे नयन में है माँ की, तस्वीर नाचे नयन में है माँ की, कभी है झलकती अमिट कोई झांकी, पूनम का हंसना और मुस्कराना, कभी अर्ध घूंघट से नजरे मिलाना, यादों ही यादों में दम उसने तोड़ा, नमन कर वतन को वतन अपना छोड़ा। बाबू हो फौजी जवान कदम तय आगे बढ़ुलन, देखत हुआ कि एक आतंकवादी अभी दिखाई देत बा, बगल से गोली बरसत बा, तब तक जवान निशाना साध लिया, गोली चलौलन एक आतंकवादी का सफाया जिला जीत कह दहलन। लेकिन समझना ये पौले ये बाबू, वही अंधेरा से एक पपियवा गोली चला दहलस, आई गोली लगल जिला जीत के जमीन पर गिरल हुए, लगल बा गोली लेकिन दिल और दिमाग घरे माई पर आयल। माई हमार कहत रही बेटा तू फौज में भर्ती मत हुए, आज माई हमार देखी हमरे माई पर कहा गुजरी, एक बार छोटा मुन्ना है जिला जीत का 5-6 महीने का बच्चा, उसको सोच करके फौजी जवान के आंख से आंसू चल दिया। जब पूनम के बारे में सोचला ये बाबू कलेजा फट गया, पगली हमसे इतना प्यार करत रहा, हमरे बेगर पूनम कैसे जी सकेले। लेकिन बारे दुनिया के मालिक पूरा दिल का बात सोचहू ना दहलन, तब तक ये शरीर से आत्मा निकल गई, जवान शहीद हो गया। तो होता है क्या, अरे मोरे राम बिजली आया के सिनवाई पर गिरल, भोरवे आ खुलल मुवले कदिलल, खबरिया अरे खबरिया अरे खबरिया। ए बाबू 2 बजे रात का गोली लगल बा, जब सुबह भइल 6 बजे सीमा से फोन आयल जिला जीत के घरे, चाचा फोन रिसीव कैलन, हेलो हाँ मैं जम्मू कश्मीर सीमा से बोल रहा हूँ, क्या ये फोन जिला जीत के घर लगा है? जी जी हाँ हाँ हाँ, आप कौन है? मैं जिला जीत का चाचा हूँ सर। अच्छा चाचा जी, बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात? हाँ चाचा जी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रह गया। क्या मेरा बेटा जिला जीत दुनिया में नहीं है? कांपने लगी बुढ़ाई शरीर है बाबू, अखिया से आंसू चलत बा, कलेजवा के मनावत हुए, कैसे केहू से कही कि हमार लाल शहीद हो गया। छिपौले हुए तब तक दूसरा फोन जिला जीत का दोस्त पूनम के मोबाइल पर करता है। सुबह का टाइम बा, जाके पूनम फोन उठौली, हेलो दिव्यांशु के पापा? उधर से आवाज आई, नहीं नहीं भाभी, मैं जिला जीत भैया का दोस्त बोल रहा हूँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाभी। क्या दुख? मतलब क्या बाबू? आपके पति जिला जीत भैया को गोली लग गई। क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? सुबह के टाइम में मेरी बात को पहले सुनिए आप, मैं एक फौजी की बीबी हूँ। ए आपका मजाक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी विश्वास है? दुल्हन फोन पर रो करके कहती है क्या? हाउ भोरा हरिया के आईला
राम क्रिया सुनाए भैया, अरे सुनाए भैया, कहदा झूठा खबरिया सुनाए भैया। कहदा उनके फोनवा कहदा तारा जाने चोनवा सुनाए भैया, अरे सुनाए भैया, जाने करमा सकरिया सुनाए भैया। दस बजे रतिया का कैला खोबा बतिया सुनाए भैया, अरे सुनाए भैया, देखली वीडियो पे सुरतिया सुनाए भैया। अरे भैया आप सही कह रहे हैं, अभी मैं 10 बजे रात में दिव्यांशु के पापा से वीडियो पर बात की, हमसे तो कुछ नहीं कहे। तब तक वो जवान कांप उठा, आवाज बंद हो गई। दूसरे साथी को फोन देता है, बोला भाभी मैं सच कह रहा हूं, आपके पति जिलाजीत भैया को रात में गोली लग गई और शहीद हो गए। बाप रे बाप, पछाड़ खा करके पूनम गिर जाती है, गुमसुम हो जाती है, बेहोश हो गई पूनम। धीरे धीरे समय बीतल भये भैया, तीसरे दिन जब दरवाजे पर जवान की पार्थिव शरीर आती है, पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा। दरवाजे पर ताबूत है, ताबूत पर सभी लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अभी वो छोटा मुन्ना दिव्यांशु, क्या मालूम है उस बेटे को, उसी ताबूत पर वो भी पुष्प अर्पित कर रहा है। देखती है पूनम, कलेजा फट जाता है, रोने लगती है। बाबू कहती है क्या, कि तोहका चढ़ाई बमैया, कि तोहका चढ़ाई बमैया, नारियल चुनारिया हो कि गंगा जी, पार कह दो मारो नेवारिया हो कि गंगा जी, बाबू क्या रो रही है, कैसे फोड़ चूड़ी कैसे दोए हमसे नूरवा हो सजनवा हमारे, हो सजनवा हमारे, कैसे कुल उजारी आज सिंगारवा हो सजनवा हमारे, टिकटक बनावत रहला सटके बजारवा हो सजनवा हमारे, अब कब देखई बाबू चेहरवा हो सजनवा हमारे,
मंडप में चढ़ावला जवान सेनुरा सिंह रवा वो सजनवा हमारे हो सजनवा हमारे कहवा फेकी मंगल सूत हारवा वो सजनवा हमारे बाबू आज दरवाजे पर इकलौते बेटे की लाश पड़ी है। माँ उर्मिला का रो रो करके बुरा हाल है, कंठ रुद गया है, कुछ आवाज निकल रही है। आज आए अधिकारियों और झूठे लोगों के सामने तड़प तड़प कर रो करके जिला जीत की माँ कहती है, क्या कहती है मास्टर साहब? बुढ़ाऊ छिनी के ले गैला सेनुरावा घरावा सोनावा बुढ़ाऊ छिनी के ले गैला सेनुरावा घरावा सोनावा ललावा कैले कोखिया मोरया नहरावा घरावा सोनावा जर जर ठेघुनी तोरले हमार अध जरल बुढ़ैया के अब के छाई छो पिटुअरा पोता या उर पतोहिया के हे साहब लोग कई देता उपकरावा घरावा सोनावा हम तीन हुनके दे देता जहरावा घरावा सोनावा बाबू माई पागल हो गई होई हो आप लोग देखले हुई है यूट्यूब के माध्यम से बहू पूनम बैठल ही संस्कार बा ऐसा ही सर पे बहू के आंचल ओढ़ावत नेता मंत्री के सामने हाथ जोड़ के कहे लगली कि साहब हमार तो बुढ़ऊ पहले ही चल गई अधजल में नैया बोर गई हमार लाल बुढ़ाई का सहारा राल हमार लालो चल गई ने वो साहब के करे इस भरोसे हमान जी है वो साहब हमके हमरे टुअरा पोता पतो के दे दे जार हमान खत्म हो जाई ना रहब ना ई पीड़ा देखे कोई वो साहब लेकिन मेरे बाबू होता है क्या जरा गौर करेंगे अल्लाह का लाइन बा मास्टर साहब अरे केतना तबो तबानी केतना कफनवा साहब केतना इलास गिनी मोर हिंदुस्तान सुहागिन आप
राजा का सुना वाला बाला बाबू, जितना कर्मचारी अधिकारी नेता मंत्री दरवाजे पर उपस्थित हुए, जिला जीत के चाचा रो रो करके बाबू सारी बात को बताते हैं। वो वक्त आ गया जनाजा उठाने का। छोटा बच्चा जो दिव्यांशु है वो जनाजा तो उठा नहीं सकता, उसी ताबूत पर लोग ले जा करके उस बच्चे को रख देते हैं। अभी तो लाल खिलौना है, उसे क्या पता किस ताबूत में क्या है। अरे बाप रे बाप, पूनम जब देखली अपने बेटवा के ताबूत पर बैठले भैया, कलेजवा फट गया। याद कैली कि अगर आज हमार स्वामी जी, आज हमार राम अगर छुट्टी लेके घरे आई होते तो आज हमार लाल हमरे राम के पेट पे बैठ के खेलत। लेकिन आज वो दिन हमार लाल ताबूत के बैठल, हमार बेटा के कही पापा कही, पापा माने तो हमार बेटा जन्मे ना करी। यह सोच के बाबू पगली पूनम ऐसी बात कहती है जो कलेजे में चुभ जाता है। कौन बात है मास्टर साहब? अरे अपने पागल के तने समझावा पिया, ये कबे ताबूत से निकल के बाहर आवा पिया। तोहके पड़ला सुगनवा आ देखो न पवला सैया, ये के भर नया नवा। अरे हथवा कर मतावा पे घुमावा पिया, अरे हथवा कर मतावा पे घुमावा पिया, एक बेर ताबूत से निकल के बाहर आवा पिया। नमन है उन फौजियों को जो हमारे घर को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर को उजाड़ देते हैं। हिंदुस्तान का हर इंसान अपने हर एक ऋण से उत्तीर्ण हो सकता है, लेकिन हमारे शहीद फौजियों के शहादत ऋण से पूरा देश कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। आखिरी कहना मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश व जौनपुर का लाल, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि व बन गया एक मिसाल। अरब बिजुले आया कसी नवे पर गिरल, उजाला प्यारे लाल